दुनिया जहान में इस हफ्ते अमेरिकी सेना में नए सैनिकों की भर्ती मुश्किल क्यों है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। वैसे तो 27 जनवरी का अमेरिका के इतिहास में कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन अपनी आयु के 19वें वर्ष में कदम रखने वाले अमेरिकी युवाओं के लिए 1973 में ये तारीख खास बन गई। क्योंकि उस दिन अमेरिकी रक्षा मंत्री ने घोषणा की कि इसके बाद सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती अनिवार्य तौर पर नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगी। इस फैसले को अमल में लाने में कुछ महीने और लगे, लेकिन जून 1973 में ड्वाइट एलियट स्टोन आखिरी अमेरिकी थे जिनकी सेना में भर्ती अनिवार्य तौर पर की गई थी। इस तरह 25 सालों तक जारी रहा नियम खत्म हो गया। पिछले 50 सालों से अधिक समय से अमेरिकी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में स्वेच्छा से आए लोगों को भर्ती किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपनी मर्जी से सेना में शामिल होने वालों की तादाद लगातार घटती रही है, खासतौर पर थल सेना में। पिछले 2 सालों में अमेरिकी थल सेना नए सैनिकों की भर्ती के अपने लक्ष्य से काफी दूर रही है, यानी उसके सामने जो लक्ष्य था वो उससे कई हजार कम सैनिक भर्ती कर पाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका की थल सेना में सैनिकों की संख्या इतनी कम हुई है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी सेना के लिए नए सैनिकों को भर्ती करना मुश्किल क्यों हो रहा है। Part 1, 1%। हमारी पहली एक्सपर्ट नोरा बेनसाहेल एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हैं और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि एक समय ये आम धारणा थी कि युद्ध के दौरान हर नागरिक को देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, पर पिछले 20-30 सालों में ये बदल गई है। अब कई युवा सोचते हैं कि युद्ध करना उनका नहीं बल्कि दूसरों का काम है। पर थल सेना की भर्ती में मुश्किल क्यों हो रही है? Well, the army is the biggest of the services, and frankly, it has. थल सेना सैन्य बल का सबसे बड़ा धड़ा है, जिसमें सैकड़ों किस्म की नौकरियां हैं और पूरे देश से लोग इसमें भर्ती किए जाते हैं। जमीन पर लड़ाई करने के अलावा ये धड़ा दूसरे सैन्य बलों की सहायता भी करता है, मगर देश की आबादी का 1% हिस्सा ही सेना में शामिल होता है। गौरतलब बात ये भी है कि अमेरिका में सेना में शामिल होने वाले कई लोगों के लिए ये एक पारिवारिक पेशा भी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना में 80% लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य पहले भी सेना में काम कर चुका है। It's not just 1% of American society that serves in the military. बात केवल ये नहीं है कि देश की आबादी का केवल 1% हिस्सा ही सैन्य बलों में शामिल होता है, बात ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही 1% लोग सेना में आते रहे हैं। यानी देश के एक बड़े हिस्से का सेना के साथ कोई संबंध नहीं होता है। नोरा बेनसाहेल का मानना है कि अमेरिकी लोग सेना के बारे में मामूली बातें तक जानते समझते नहीं है, इसलिए उन्हें सैन्य मामले समझाना मुश्किल होता है और इसी वजह से उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना भी मुश्किल है। अमेरिकी सेना के सामने समस्या ये भी है कि देश में जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं और जो भर्ती होने योग्य हैं, उनमें अंतर बढ़ता जा रहा है। The military has certain standards you must meet in order to come in. सेना में भर्ती होने के लिए कुछ मापदंड निश्चित किए गए हैं। जो युवा भर्ती होना चाहते हैं, उनमें से कई इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरते और ये स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 2 सालों में सेना में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवारों में से केवल 29% उम्मीदवार ही योग्य पाए गए। पर क्या वजह है कि सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले और उसके लिए योग्यता रखने वालों की संख्या तेजी से घट रही है?
The reasons largely have to do with effects. कुछ हद तक इसका एक कारण कोविड महामारी का असर भी है। अब कम प्रत्याशी टेस्ट में पास होने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त कर पा रहे हैं। महामारी के बाद से उम्मीदवारों की फिजिकल फिटनेस का स्तर भी कम हुआ है। दूसरी बात ये है कि मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अवसाद यानी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार लोग सेना में भर्ती नहीं हो सकते। कोविड महामारी के बाद से बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन की समस्या से प्रभावित हुए हैं। नोरा बेंसहल के अनुसार युवाओं में सेना में शामिल होने के प्रति घटती रुचि का एक कारण अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलाव है। पहले सेना में तनख्वाह और दूसरे फायदे कहीं ज्यादा थे, लेकिन नए सैनिकों की भर्ती में आ रही कमी को पूरा करने के लिए सरकार पहले की तरह युवाओं के लिए सेना में नौकरी अनिवार्य कर दे, इस बात की संभावना बहुत कम है। पार्ट टू, संख्याओं का खेल। हमारे दूसरे एक्सपर्ट मार्क कैंसियन रिटायर्ड मरीन कर्नल हैं और वॉशिंगटन के थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में वरिष्ठ सलाहकार हैं। उनके मुताबिक अमेरिका सेना में भर्ती पर हर साल 80 करोड़ डॉलर खर्च करता है। नए सैनिकों की भर्ती में हमेशा ही मुश्किलें आती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बढ़ गई हैं। हालांकि दुनिया भर में कई जगहों पर सहयोगी देशों की मदद के लिए अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति है और अपने सहयोगी देशों को सैनिक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें वायुसेना और नौसेना का भी अहम भूमिका है, लेकिन जमीन पर थल सेना की मौजूदगी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सेना के 76 प्रमुख सैनिक अड्डे हैं, जिसमें 58 अमेरिका में, 12 यूरोप में, 6 प्रशांत महासागर क्षेत्र और 4 मध्य पूर्व में हैं। यूरोप में 60,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, मध्य पूर्व में 10,000 और एशिया में जापान से दक्षिण कोरिया तक 40,000 सैनिक तैनात हैं। इन सैनिकों को जरूरत के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह तैनात किया जाता है। सैनिकों की तादाद में आ रही कमी इस काम को प्रभावित कर सकती है। मार्क कैंसियन के अनुसार अमेरिका को 4,80,000 सैनिकों की जरूरत है, जबकि उसके पास 4,53,000 सैनिक ही हैं। तो ये कमी दुनिया में अमेरिका की सैन्य भूमिका को किस प्रकार प्रभावित करेगी? इससे दो बातें होंगी। एक तो ये कि अमेरिकी धरती पर सैनिकों की कमी होगी, दूसरी बात ये कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ उतने शांतिकालीन सैन्य अभ्यास नहीं कर पाएगा जितना उसका लक्ष्य है। युद्ध की स्थिति में ये अभ्यास काम आते हैं, उसे प्रति वर्ष इन सैन्य अभ्यासों की संख्या घटानी पड़ेगी। आधुनिक काल के युद्ध में टेक्नोलॉजी की भूमिका भी काफी ज्यादा हो गई है। कई गतिविधियां युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर बैठकर की जाती हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि आने वाले वक्त में कई काम जो सैनिक करते हैं उसे टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकेगा और सेना को कम सैनिकों की जरूरत होगी? लंबे समय से कई लोग ऐसा सोचते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पर आधारित सटीक हथियारों से दुश्मन को निशाना बनाया जा सकेगा, कम सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और युद्ध जल्दी समाप्त होंगे। कई बार गलत साबित होने के बावजूद ये धारणा बार बार सामने आती रही है। हम यूक्रेन में देख रहे हैं कि वहाँ केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में सैनिक जमीन पर लड़ रहे हैं। पार्ट थ्री, विश्वास की बात। जैसा कि हमने कुछ देर पहले नोरा बेंसहल से सुना कि सेना में भर्ती में मुश्किलों के कुछ कारण कोरोना महामारी से जुड़े हुए थे, क्योंकि उस दौरान शिक्षा प्रभावित हुई और युवाओं की शारीरिक क्षमता पर भी महामारी का बुरा असर पड़ा। लेकिन हमारे तीसरे एक्सपर्ट पीटर फीवर कहते हैं कि एक नया रुझान भी इसका एक कारण है। पीटर फीवर ड्यूक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं।
वो कहते हैं अमेरिकी जनता की जनता के प्रति राय भी इस समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। If you trace public opinion of the military, अगर आप अतीत में देखें तो 70 के दशक में आम लोगों की सेना के प्रति राय अच्छी नहीं थी। 80 के दशक में उसमें काफी सुधार आया और डेजर्ट स्टॉर्म अभियान के बाद लोगों की राय और अच्छी हो गई। 90 के दशक में आखिर में इसमें गिरावट आई, लेकिन अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद फिर सेना के प्रति जनमत काफी सकारात्मक हो गया था, जो पिछले लगभग 3 सालों तक बरकरार रहा। इसलिए जब ये रुझान बदल रहा है तो ये चिंता भी है कि कहीं वो दोबारा 70 के दशक के स्तर पर ना पहुंच जाए। लेकिन परंपरागत तौर पर शांतिकाल के दौरान सेना के प्रति आम लोगों की राय कुछ मिलीजुली या अनिश्चित ही रही है। हाल के सालों में आम लोगों का सेना के प्रति रुख काफी बिगड़ गया है। 2018 में रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक 70% अमेरिकी लोगों ने कहा था कि उनका अमेरिकी सेना पर काफी भरोसा है। अब केवल 46% लोग ही सेना पर ऐसा भरोसा करते हैं। पीटर फीवर ने भी इस रुझान पर गौर किया है। अपने देश में हम देख रहे हैं कि सेना के प्रति रुख बुरा हो रहा है, उसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। देश की सांस्कृतिक बहस में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या देश की सेना में सभी तबकों और समुदायों का समावेश होता है। वहीं कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या हमारी सेना बहुत वोक हो रही है, यानी राजनीतिक दृष्टि से सही रहने की परवाह के कारण सभी तबकों के समान समावेश पर अधिक ध्यान दे रही है। सेना से जुड़ी सांस्कृतिक बहस का एक पहलू ये भी है कि सेना में भर्ती को लेकर महिलाओं और पुरुष की राय अलग है और उनके लिए चुनौतियां भी अलग हैं। Women are a crucial component of... महिलाएं सैन्य बलों में व्यापक और विशेष योगदान देती हैं, लेकिन महिलाएं सेना में उनके यौन उत्पीड़न की संभावना को लेकर चिंतित हैं। जब सेना में शामिल होने के लिए संभावित प्रत्याशियों को सर्वेक्षण के सवाल दिए गए तो कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की चिंता व्यक्त की। सैन्य बल इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ यौन दुराचार या यौन उत्पीड़न की समस्या पूरे अमेरिकी समाज में है, तो जाहिर है वो सेना में भी दिखाई देगी। पीटर फीवर का कहना है कि यौन उत्पीड़न अपने आप में सेना में भर्ती में मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सैनिकों की भर्ती को लेकर आ रही मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। इस प्रकार की समस्याओं से लोगों का सेना के प्रति रुख भी प्रभावित होता है। पार्ट 4, नई रणनीति। पिछले अक्टूबर में अमेरिकी रक्षा मंत्री क्रिस्टीन वामथ ने कहा कि प्रतिभाशाली अमेरिकी युवाओं को नौकरियों के लिए आकर्षित करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए उन्हें सेना में भर्ती करने के लिए एक नई टीम या विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव लाए जाएंगे। हमारी चौथी एक्सपर्ट बेथ एश रैंड कॉर्पोरेशन में वरिष्ठ अर्थशास्त्री है और रक्षा कर्मचारियों के मामलों की विशेषज्ञ है। उनका कहना है कि भर्ती से जुड़ी समस्या के हल के लिए अमेरिकी सेना को अपने प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है, जिसके लिए वो कदम उठा रही है। इसके लिए उसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी। अल्पकालिक योजना के तहत सेना को कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग सेना में काम कर रहे हैं वह सेना में बने रहें। वो ऐसा कर भी रहे हैं क्योंकि यह रणनीति पहले भी सफल रही है। सेना के सामने नए सैनिकों को भर्ती करने की समस्या जितनी मुश्किल है, वैसी समस्या पहले से काम कर रहे सैनिकों को सेना में बनाए रखने में नहीं आ रही। यानी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अनिवार्य अवधि के बाद भी कई सैनिक सेना की नौकरी करते रहते हैं। बेथ एश का कहना है कि जब तक नए सैनिकों की भर्ती की समस्या सुलझ नहीं जाती, तब तक पुराने सैनिकों को सेना में बनाए रखने की रणनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। दीर्घकालिक योजना के तहत भर्ती की प्रक्रिया और योग्यता के मापदंडों में बदलाव लाने पर भी विचार किया जा सकता है। सेना ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत ऐसे लोग जो परीक्षा के दौरान शारीरिक या कौशल के मापदंडों में कुछ कम अंक पाते हैं उन्हें भी शामिल करके ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह सेना के लिए आवश्यक योग्यता का स्तर प्राप्त कर सकें।
सेना में भर्ती के लिए कई शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के मापदंड होते हैं, लेकिन नई भर्ती के मापदंड अलग होते हैं, और जो पहले से सेना में शामिल हैं और नौकरी में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए मापदंड कुछ अलग होते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसके चलते कोई व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो पहले से सेना में नौकरी कर रहा है तो इन स्थितियों के बावजूद नौकरी पर बना रह सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ मानसिक बीमारियां हैं जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी। अगर कोई इन बीमारियों का शिकार है और उसका इलाज चल रहा है तो उसे सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन भर्ती होने के बाद उसे यह बीमारियां हो जाती हैं तो वह नौकरी पर बने रह सकता है। हो सकता है कि भविष्य में अमेरिकी सेना को इस मापदंड के बारे में दोबारा सोचना पड़े। बेथ एश ने बताया कि अमेरिकी सेना प्रयोग के तौर पर एक पायलट प्रोग्राम चला रही है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य किसी सैनिक के काम और व्यवहार पर कितना असर डालता है। इसके बाद ये तय किया जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मापदंड की नीति में बदलाव की जरूरत है या नहीं। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि अमेरिकी सेना के लिए नए सैनिकों को भर्ती करना मुश्किल क्यों हो रहा है। विशेषज्ञ इसके कई कारण बताते हैं। अर्थव्यवस्था बदल रही है जिसके चलते अब युवाओं के पास नौकरियों के कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करने के लिए सेना को अपनी रणनीति में कई बदलाव लाने होंगे। हर समाज और उसकी अर्थव्यवस्था में बदलाव आते हैं, हर पीढ़ी की धारणाएं अलग होती हैं, और सभी संस्थाओं की तरह सेना को भी अपने आप को उन परिवर्तनों के मुताबिक ढालना होगा।